हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह राजावत आज आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की जो रिक्रूटमेंट आई है, वैकेंसी आई है, उसके बारे में बताना चाहूँगा। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं है वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो आपकी केंद्रीय विश्वविद्यालय है दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसकी 263 पोस्ट आई हैं, 263 पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर। देखिए, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा, कब आपका डेट फॉर्म फिलिंग और कब लास्ट डेट है और किस आधार पर आपकी क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगी, तो सब ये सब जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करूंगा। देखिए, इसमें आप जैसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी पर जाएंगे, उसकी ऑफिशियल साइट पर जैसे ही जाएंगे, तो वहाँ पर एडवर्टीजमेंट विज्ञापन संख्या द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। देखिए, ये पोर्टल खुल जाएगा। उसके बाद लिखा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म द एलिजिबल कैंडिडेट अपॉइंटमेंट द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर अकेडमी पे 10th लेवल, जो आपका 7 पे सेंट्रल कमीशन के हिसाब से इसका वेतमान होगा। देखिए, ऑफ द यूनिवर्सिटी लास्ट डेट ऑफ द 23/7/2019 होगी, लास्ट डेट जो होगी 23/7/2019। वीक ऑफ द फॉर्म द डेट ऑफ पब्लिकेशन एडमिशमेंट। देखिए, ये ऑफिशियल साइट पर, इस ऑफिशियल साइट पर जाकर पूरी आप डाउनलोड कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट। देखिए, पूरा आप लोगों के लिए 2 तारीख को ही रिलीज की गई थी ये विज्ञापन संख्या 4/2/2009। तो आपको डिटेल डिपार्टमेंट वैकेंसी पूरी आपके डिटेल बताऊँगा, पूरी वैकेंसी कितनी है, कितने पोस्ट हैं। देखिए, 263 पूरे हैं और सब्जेक्ट वाइज भी मैं बताऊँगा। तो देखिए, पहले क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए, इसमें क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री 55% मार्क्स एक्रूमेंट एंड ग्रेड एंड द पॉइंट लेवल जो भी आपके लिए होगा, सिस्टम फॉलो, जो सिस्टम फॉलो परसेंटेज या ग्रेड लेवल जो भी होगा, लेकिन 55% से ऊपर होना चाहिए यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी से। बिसाइड द फुलफिल, देखिए दूसरा क्या, कैंडिडेट हैव द क्लियर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो नेट पास हों, कंडक्ट बाई द UGC से या CSIR से हों, या नेट सेल बी कंडक्ट ग्रांटेड अकॉर्डिंग द जर्नल नोट्स ऑफ द लास्ट सेक्शन दिस ईयर। देखिए, ये आपको नेट की जरूरत है, या आपको PhD होल्डर हों, फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट ऑफ द रैंकिंग टॉप 500 में जो आए हों उनके लिए, और एकेडमिक स्कोर स्पेसिफाइड गाइडलाइंस। देखिए, जो एकेडमिक स्कोर होगा उसका भी प्रयोग किया जाएगा इसके अंतर्गत। तो देखिए, मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए क्लास मास्टर डिग्री मैनेजमेंट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन रिलेवेंट मैनेजमेंट रिलेटेड इन सब के लिए है, PGDM और इस तरह से आप क्वालिफिकेशन हैं। तो आप लोग जो नेट वाले हैं, अभी जो रिजल्ट आने वाला है 15 जुलाई का, अगर उन्होंने भी नेट क्लियर कर लिया है तो उनके लिए भी अच्छी खबर है। तो इस तरह से आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। देखिए, कैटेगरी के हिसाब से कौन कौन सी आपकी वैकेंसी खाली है। देखिए, अफ्रीकन स्टडीज़ में बात करें तो एक जनरली खाली है, टोटल एक पोस्ट है इसके अंतर्गत। और हम बात एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो आपकी इसमें केवल एक वैकेंसी खाली है, वो भी OBC के लिए। बायोकेमिस्ट्री इस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। और हम कॉमर्स की बात करें तो 6 सीट खाली हैं, कंप्यूटर साइंस की 3 सीटें खाली हैं। इस तरह से टोटल पोस्ट आपकी इस तरह हो जाती हैं, आप धीरे धीरे देख सकते हैं। और आपको नोटिफिकेशन पढ़ लेना DU की ऑफिशियल साइट पर जाकर, तो आप लोगों को पता चल जाए कितनी कितनी वैकेंसी खाली हैं। सोशोलॉजी, पंजाबी, संस्कृत, फिलॉसफी और ये आपका ज्योग्राफी का सब्जेक्ट में कोई वैकेंसी इस तरह आई नहीं है। हिस्ट्री की भी जनरल वैकेंसी बिल्कुल खाली नहीं है, एक ही केवल ST कैटेगरी, OBC कैटेगरी खाली है। तो इस तरह से आपको टोटल वैकेंसी के बारे में बता दिया है। और आपका ये ऑनलाइन 2 तारीख शुरू हो चुके हैं और आपका 23 जुलाई तक ऑनलाइन एप्लीकेशन ये देंगे। और इसका जो सिलेक्शन होगा ये इंटरव्यू बेसिस आपका सिलेक्शन होगा, इसमें कोई पेपर नहीं देना पड़ेगा, केवल इंटरव्यू क्वालिफाई करना पड़ेगा इसके लिए। तो आप लोगों को बेहतर होगी, जिन लोगों का नेट GRF है वो ज़रूर इसमें इन्वॉल्व हों, जो सब्जेक्ट से वैकेंसी आई हुई हैं, और ज़रूर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा चांस है। और एक तरफ लखनऊ यूनिवर्सिटी में आई हूँ, उसके लिए मैं पूरी जानकारी में डिटेल में बताऊँगा। पहले इस वीडियो के माध्यम से केवल यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो भी आपकी प्रोफेसर की भर्ती आई है, तो आपके लिए बहुत ही चांस, अच्छा मौका है। दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर आप प्राप्त कर सकते हैं आप इंटरव्यू के द्वारा। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।